परिवार ना मरे इसके वजह से ये मर जाते हैं। किसी को 2 साल का बच्चा था, किसी को 1 साल का बच्चा था, किसी का 1 महीना पहले शादी हुआ था, किसी को 3 बच्चा है, किसी के घर में बूढ़ी माँ है, बूढ़ा बाप है, किसी के घर में बहन की शादी होने वाली थी, किसी की बीवी बीमार थी, ये आ गए लेकिन नेता नहीं आए यहाँ पे इनका दुख और दर्द बांटने के लिए। रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाइए, और मरना भी है ना तो बिहार से बाहर जाइए। मनीष कश्यप पे सवाल उठाना ज्यादा जरूरी था कि इन मजदूरों के लिए सवाल उठाना ज्यादा जरूरी था? मजदूर मरते हैं ना तो मजदूर यूनियन का कोई नेता नहीं आता है। कि अगर इस फैक्ट्री में 11 गुजरात के लोगों के साथ हादसा हुआ होता तो पीएम नरेंद्र मोदी जो है फ्लाइट से जो है यहाँ पे आए होते। रोजगार की बात करते हैं, समृद्ध बिहार की बात करते हैं, तो बिहार के मजदूर जो है आके यहां पे कबाड़ का काम क्यों करते हैं? यही वो हैदराबाद का मनहूस कंपनी है जिसमें बुधवार की रात को 11 गरीब मजदूर जो है वो जल के बेवजह निर्दोष थे, मर गए। और यहाँ पे अभी बिहार के ही बहुत सारे मजदूर इकट्ठा हुए हैं, उन्हें उम्मीद है कि इंसाफ होगा। क्यों उम्मीद है? क्योंकि वो जो 11 लोग थे वो सभी जो है एक दूसरे के परिचित थे सभी लोग, और ये लोग या तो रिश्तेदार हैं, या तो भाई हैं, और या तो दोस्त हैं। यहाँ पे एक दीपक जी हैं जो यहीं के हैदराबाद के हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि अभी क्या क्या हुआ है, चूँकि ये यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे बातचीत किए हैं। साथ में यहाँ पे जो है बिहार से एक नेता जी आए हुए हैं यहाँ पे, जो इन लोगों के परिजन में से किसी का एक का मदद भी किए हैं। और ये अगर 200-300 अगर बिहार के मजदूर यहाँ पे दिख रहे हैं मोबाइल हाथों में लेके, तो वो इस उम्मीद से दिख रहे हैं कि कहीं नहीं तो कहीं जो है जो लोग मर गए वो इनके दोस्त थे, उनके साथ इंसाफ होगा। अगर यहाँ पे 300 मजदूर एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं, बिहार से एक गांव से एक छोटे से नेता आ सकते हैं, यहाँ हैदराबाद का रहने वाला अगर व्यक्ति हमारा साथ दे सकता है, हैदराबाद पुलिस जो है हमारे समर्थन में खड़ा हो सकता है, ये लोग सभी लोग कहीं हम लोगों को तकलीफ़ नहीं दिए, ये लोग ये जितने पुलिस वाले हैं यहाँ पे, जो SHO साहब आए थे उन्होंने कहा कि बस भीड़ अनियंत्रित नहीं होनी चाहिए, बाकी आप वीडियो बना सकते हैं, यहाँ का प्रशासन हमारे साथ खड़ा हो सकता है, तो बिहार का नेता, बिहार का सिस्टम, बिहार का प्रशासन हमारा साथ क्यों नहीं दे रहा है, इन गरीब मजदूरों का साथ क्यों नहीं दे रहा है, जब हैदराबाद के लोगों के सीने में बिहारी मजदूरों के लिए दिल है वो धड़क सकता है, तो बिहार के नेताओं के सीने में वो दिल कहाँ गया? बिहार विधानसभा में लगातार सवाल उठाया जाता है, फालतू का सवाल उठाया जाता है, उसमें से बहुत सारा सवाल मेरे ऊपर भी उठाया जाता है, इन गरीब मजदूरों के लिए सवाल कौन करेगा, इन्हें इंसाफ कौन दिलाएगा? अभी तक इन लोगों के खाते में शायद से 2 लाख रुपया के आसपास आया है ना, 2 लाख रुपया के आसपास कि नहीं आया है? आया है ना? हाँ आया है सर। उसके अलावा जो है वो 2 लाख रुपया इस वजह से आया है ना कि बहुत ज़्यादा रिलाई हुआ है, उसके अलावा अभी तक जो है ना बहुत सारा वादा किया गया था कि यहाँ से आएगा वहाँ से आएगा, अभी तक उसके अलावा कोई पैसा नहीं आया, नहीं आया ना? कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, कोई नहीं आया ना? अब बिहार से कोई नेता आया कि नहीं आप लोगों से मिलने, आप लोगों का दुख दर्द बांटने? नहीं आया सर। अभी तक आ सकते थे, एक साधारण सा पत्रकार जब बिहार से यहाँ पे आ सकता है, इन लोगों का दुख और दर्द दिखा सकता है, तो वहाँ के नेता क्यों नहीं आ सकते हैं? नेता का यहाँ पे आना इसलिए भी जरूरी है कि वो यहाँ पे आए और देखें कि विकसित बिहार, समृद्ध बिहार, सुशासन वाला बिहार की स्थिति बिहार से बाहर कैसी है। दीपक जी थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, ये दीपक जी हैं यहीं के हैं, लोकल हैं, और इनकी भी एक कंपनी चलती है जिसमें बिहार के ही मजदूर काम करते हैं, और ये उस दिन भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, और कल भी ये खड़े हैं थे। अगर ये नहीं होते तो शायद जो है हम इतना इजीली जो है यहाँ पे वीडियो नहीं बना सकते थे, आवाज़ नहीं उठा सकते थे। आप बिहार के मजदूरों का मदद क्यों करना चाह रहे हैं?
देखिए सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास भी बिहार के मजदूर बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन ये हादसा जिस दिन पता चला था मुझे, वो बिहार से वो मेरे भाई जो है उज्जवल जी ने मुझे कॉल करके बताया था कि ऐसे इस तरह से हुआ, ऐसी घटना हुआ है, अब जाके किस तरह से आप किसी भी तरह से उनको मदद करिए। तो उसी दिन हम उस दिन चले गए थे, जाके उस दिन सबसे बातचीत किए थे, कलेक्टर साहब आए थे, उनसे भी बातचीत किए थे, सारी दुर्घटना पर बात किए, तो वो बोले कि देखिए गवर्नमेंट की तरफ से, तेलंगाना गवर्नमेंट, हम जो हो सकता है हम कर सकते हैं, अभी जो कुछ भी है हम कर रहे हैं, और तेलंगाना गवर्नमेंट से आपको जो भी मुनाफा है 5 लाख आपको दे देगा, पीएम मोदी के तरफ से 2 लाख मिलेगा, और ये सब कुछ हम वहाँ पे आपके जो बिहार के जो कलेक्टर हैं उनसे हम बात करके सब कुछ क्लोज करेंगे बोल के बोले हैं। लेकिन अभी तक तो उन लोगों को तो कुछ मुनाफा वो तो मिला नहीं है, तभी से हम भी इनके पीछे कोशिश में है इनको भी हेल्प करने की। एक और मैं बात बता देना चाहता हूँ, इनके कंपनी के जो है ना मजदूर नहीं मरे हैं, पहला चीज। दूसरा चीज, इनके कंपनी में जो मजदूर काम करते हैं ना वो इन लोगों को नहीं पहचानते हैं, लेकिन फिर भी इंसानियत के नाते ये मदद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये भाई साहब ने इनको फोन किया था और ये बिहार के हैं। आपके यहाँ के कितने मजदूर मरे हैं? मेरे यहाँ के लमसम 8 मजदूर मरे हैं। आपके यहाँ के सिर्फ छपरा जिला के 8 मजदूर मरे हैं, और उसके अलावा 3 मजदूर जो है, 3 मजदूर कटिहार से थे, कटिहार से 3 मजदूर, और सबका उम्र जो है ना वो 18 साल से लेके 25 साल 26 साल तक का था सबका। सबका युवाओं की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, समृद्ध बिहार की बात करते हैं, तो बिहार के मजदूर जो है आके यहाँ पे कबाड़ का काम क्यों करते हैं जरा बताइए ना। अच्छा ये बताइए, उम्मीद लगता है इंसाफ होगा? इंसाफ होगा, इंसाफ होगा, उम्मीद है इन लोगों को, और हमें भी उम्मीद है कि इंसाफ होगा, और हमें भी उम्मीद है कि बिना दिल वाले बिहार के कम 2-4 विधायक और सांसद तो यहाँ पे जरूर आएंगे और इनका दुख और दर्द बांटने का जरूर प्रयास करेंगे। ये उम्मीद है, उम्मीद है कि इन लोगों के घर पे भी वो नेताजी लोग पहुँचेंगे, उम्मीद है कि इन लोगों के यहाँ पे वो जितने भी स्थानीय पत्रकार हैं, लोकल पत्रकार हैं, इन लोगों का दुख और दर्द दिखाएंगे। बंगाल में जब हादसा होता है तो सारी मीडिया दिखाती है, जब दूसरे जगह हादसा होता है तो सारी मीडिया दिखाती है, लेकिन जब बिहारी के साथ बिहार में या बिहार से बाहर हादसा होता है तो कोई नहीं दिखाता, ऐसा क्यों? अभी 2 महीना पहले मुजफ्फरपुर में एक फैक्ट्री ब्लास्ट में बिहार के मजदूर मर गए, और यहाँ पे भी बिहार के मजदूर मर गए, वहाँ पे भी कोई नेता नहीं पहुँचे थे, यहाँ पे भी कोई नेता नहीं पहुँचे हैं, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि विकसित बिहार की बात आप लोग करते हैं, सुशासन वाले बिहार की बात करते हैं? कैसे होगा मदद इन लोगों का? इन लोगों का मदद यहाँ से, यहाँ के गवर्नमेंट से बात करके करवाया जाएगा, और वहाँ पे हम लोग अपने निचले स्तर से जो भी गवर्नमेंट से हमें कोई सवाल और शिकवा गिला नहीं है, इसलिए भी नहीं है कि यहाँ के गवर्नमेंट की गलती नहीं है, गलती तो हमारे बिहार के गवर्नमेंट की है। अगर हमने अपना घर जो है सही सलामत रखा होता, दुरुस्त रखा होता, तो शायद ये नौबत ही नहीं आता। सोचने वाली बात है कि अगर इस फैक्ट्री में 11 गुजरात के लोगों के साथ हादसा हुआ होता तो पीएम नरेंद्र मोदी जो है फ्लाइट से जो है यहाँ पे आए होते, अमित भाई साहब जो है, अमित शाह जी जो है वो भी आए होते, लेकिन बिहार के मजदूरों के साथ हुआ है। तो अगर मोदी जी और अमित शाह जी नहीं आ सकते हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो आ सकते हैं, बिहार के रोजगार मंत्री जो रोजगार की बात करते हैं शाहनवाज हुसैन वो तो आ सकते हैं, सही है कि नहीं? रोजगार के नाम पे जो बिहार में ढकोसला बना दिया है ये लोग, और प्रचार 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 प्रसार कर रहा है लोग कि बिहार को रोजगार के तरफ आगे कर रहे हैं, नीतीश जी बोल रहे हैं बिहार में समुंदर नहीं है इसलिए रोजगार का कनेक्टिविटी नहीं हो सकता है, ये कबाड़ का काम करने के लिए कौन सा समुंदर का हो सकता है, ये काम तो हमारे बिहार में भी हो सकता है, हमारे ये जो भाई बिहार से 1500 किलोमीटर दूर से यहाँ आके कबाड़ का काम कर रहे हैं ये काम बिहार में भी हो सकता है। हम दावे के साथ कह रहे हैं कि हैदराबाद में जो जितना भी कंपनी है उसका 25% काम हमारे बिहार में हो सकता है, तो हम लोग उसके ऊपर उस रोजगार के ऊपर क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं रोजगार के नाम पे। शिक्षा के लिए बिहार से बाहर जाइए, स्वास्थ्य के लिए बिहार से बाहर जाइए, रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाइए, और मरना भी है ना तो बिहार से बाहर जाइए। ये कैसा विकसित बिहार की बात करते हैं बिहार के नेता, जरा सोचिए। क्या नाम हुआ चाचा आपका? शत्रुघ्न। कितना दिन से यहाँ पे काम करते हैं? अभी तो हम 2 महीने से करते हैं। 2 महीने से काम करते हैं। क्या चीज़ काम करते हैं? ये हमने जुड़ाई का काम करते हैं। जुड़ाई का काम करते हैं। अच्छा, जो लोग ये आगजनी में मर गए उनको पहचानते थे आप? नहीं, हम तो वहाँ पे रहते हैं। नहीं पहचानते थे तब भी ये यहाँ पे खड़े हैं, नहीं पहचानते थे,
और जिन नेताओं को इन गरीबों ने वोट दिया था वो नेता यहाँ पे क्यों नहीं खड़े हैं? ये गरीब लोग हर 5 साल में किसी ना किसी नेता का भाग्य बनाते हैं, लेकिन 5 साल के बाद जो है वो नेता इन लोगों को भूल जाता है। वो नेता इन गरीबों का भाग्य क्यों नहीं बनाता है? क्या नाम हुआ बाबू आपका? सुनील कुमार। सुनील, आपका नाम क्या हुआ? क्या नाम? टुन टुन। कहाँ से हैं आप? अमरपेट। अमरपेट से? हाँ, बिहार से। वहीं से? अच्छा, क्या नाम हुआ बाबू आपका? मुन्ना। कितना उम्र है आपका? अभी 18 साल। 18 साल बाबू का अभी नहीं भी हुआ होगा ना, तो भी ये यहाँ पे कमाने आ गया है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे नहीं आएगा ना तो इसका परिवार मर जाएगा। परिवार को बचाने के लिए ये बिहार के गरीब मजदूर यहाँ पे आते हैं। परिवार ना मरे इसके वजह से ये मर जाते हैं, और इनका दुख और दर्द कौन समझेगा? क्या नाम हुआ बाबू आपका? अभिषेक कुमार। कितना दिन पहले आए यहाँ पे? हमारे को 13 साल हो गया है पर आके। यहाँ पे 13 साल हो गया है। क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार। क्या काम करते हैं यहाँ पे? प्रेस में काम करते हैं। प्रेस में काम करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रवि कुमार। क्या काम करते हैं? वेस्ट पेपर का। वेस्ट पेपर का। क्या नाम हुआ आपका? मनोज। क्या काम करते हैं? वेस्ट पेपर का। वेस्ट पेपर का। क्या नाम हुआ आपका? विनोद कुमार। क्या करते हैं? प्रेस में काम करते हैं। प्रेस में। क्या नाम हुआ आपका? सोनू कुमार। क्या करते हैं? स्क्रैप वाला। स्क्रैप। क्या नाम हुआ आपका? दीपक। क्या काम करते हैं? गोदाम में काम करते हैं। गोदाम में। ये सभी लोग अलग अलग जगह पे काम करते हैं। कोई स्क्रैप का काम करता है, कोई प्रेस में काम करता है, कोई गोडाउन में काम करता है, और कोई खेतों में काम करता है, कोई लेबर का काम करता है। सभी लोग अलग अलग लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार। क्या करते हैं? प्रेस में करते हैं। आप क्या करते हैं? मुकेश कुमार। क्या करते हैं? मार्केटिंग का काम करते हैं। मार्केटिंग का काम करते हैं। आप क्या करते हैं? मैं भी सर वेस्ट पेपर काम करता हूं। वेस्ट पेपर का काम करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार। अच्छा, क्या करते हैं आप? पेपर का काम। पेपर का काम। थोड़ा देखिए, यहाँ पे जितने भी गरीब मजदूर है ना, उसमें से कोई जो है ना वो करोड़पति नहीं है। कोई करोड़पति नहीं है, सभी लोग गरीब है। वो देखिए, वहाँ पे एक व्यक्ति जो है वो हाथ जोड़ रहे हैं। वो हाथ इसलिए जोड़ रहे हैं कि कहीं नहीं तो कहीं उम्मीद है कि हम वीडियो बनाएंगे तो इनके साथ इंसाफ होगा। लेकिन इंसाफ कब होगा? क्या नाम हुआ आपका? राधा किशन कुमार का। अच्छा, क्या करते हैं जी? हम उनको आने हैं देखने के लिए। अरे हाँ, हम तो इनके घर गए थे। इनके घर गए थे, और जरा सोचिए, इनके घर जाके इनका दुख और दर्द देखने के बाद मैं यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गए। इनका बेटा का अभी भी इलाज चल रहा है एक अस्पताल में। इन्हीं की एक बेटी है जिसका 2 महीना बाद शादी होने वाला है। इन्हीं का एक बेटा जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 21 दिन पहले यहाँ पे काम को आया था। ये आ गए, लेकिन नेता नहीं आए यहाँ पे इनका दुख और दर्द बांटने के लिए। प्रयास किया जाए एक, और अगर हम लोग प्रयास नहीं करेंगे ना, तो शायद जो है बिहार के मजदूरों का हालात नहीं बदलेगा। और अगर हमने सबने प्रयास किया, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा थोड़ा प्रयास किया ना, तो शायद जो है हालात बदल जाएगा। हम दूसरे राज्य में जाके उस राज्य के सरकार से क्या सवाल करें, उस राज्य के प्रशासन से क्या सवाल करें, जब हमारे यहाँ के ही नेता सही नहीं हैं, हमारे यहाँ का ही प्रशासन सही नहीं है। और ये वही मनहूस कंपनी है जिसमें से 11 जाने जो है वो निकल गई। ये वही मनहूस कंपनी है। बाकी हमारा ये प्रयास हैदराबाद से आप लोगों को कैसा लगा? इन मजदूरों के लिए क्या क्या होना चाहिए? इन मजदूरों को किस प्रकार से इंसाफ मिलना चाहिए? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, इस देश में 100 से ऊपर मजदूर यूनियन है, 100 से ऊपर। जब मजदूर यूनियन के बड़े बड़े नेताओं को बड़ा नेता बनना होता है ना, तो वो पूरा देशव्यापी हड़ताल करते हैं कि हाँ, ये ट्रेड यूनियन का हड़ताल है, आप सभी मजदूर हमारे साथ आ जाओ, रेलवे बंद करो, बैंक बंद करो, दुकानें बंद करो, सड़कें जाम कर दो, आगजनी कर दो। जब उनको जरूरत पड़ती है तब। जब मजदूर मरते हैं ना, तो मजदूर यूनियन का कोई नेता नहीं आता है। अगर आया होता ना, तो शायद अभी तक इन लोगों का इंसाफ हो गया होता। ये सच्चाई है। बहुत सारे ट्रेड यूनियन वाले जो है ना, मजदूरों का 1 महीना में से 1 दिन का सैलरी लेते हैं। बहुत सारे ट्रेड यूनियन वाले जो है 1 साल में से 1 दिन का सैलरी लेते हैं। बहुत सारे ट्रेड यूनियन वाले 1 साल में से 1 महीना का ही सैलरी ले लेते हैं कि हम मजदूरों के हक के लिए लड़ेंगे। लेकिन मजदूरों के हक के लिए अगर हिंदुस्तान में लड़ने वाला कोई मजदूर यूनियन होता, तो शायद इन मजदूरों को अभी तक इंसाफ मिल गया होता, और शायद इस देश के सभी मजदूरों को इंसाफ मिल गया होता। और मजदूर यूनियन के साथ साथ इस देश के मजदूरों से और नेताओं से विनती करना चाहता हूँ कि देश के किसी भी कोने में किसी भी प्रकार का कोई भी मजदूर काम करे, सबसे पहले उसके लिए 25 लाख का इंश्योरेंस कराया जाए, पहला काम। और इंश्योरेंस कराना, ये तो संविधान में लिखा हुआ है, नियम है, फिर जमीन पे पालन क्यों नहीं होता है इसका?
कि अगर किसी वजह से कोई मजदूर हादसे का शिकार हो जाए तो शायद जो है उसका परिवार वाला तो उसकी कमी जो है पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन कुछ फाइनेंशियल मदद हो जाएगा ताकि जो है उसका परिवार जो है दर दर की ठोकरें ना खाए। किसी को 2 साल का बच्चा था, किसी को 1 साल का बच्चा था, किसी का 1 महीना पहले शादी हुआ था, किसी को 3 बच्चा है, किसी के घर में बूढ़ी माँ है, बूढ़ा बाप है, किसी के घर में बहन की शादी होने वाली थी, किसी की बीवी बीमार थी और वो इसलिए यहाँ पे दिन रात मेहनत कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे कि कहीं नहीं तो कहीं हम यहाँ पे अगर मेहनत मजदूरी करेंगे तो हमारे घर का हालात बदलेगा। और उनके साथ क्या हुआ? आज बिहार के लोगों से विनती करना चाहता हूँ कि जातियों में अगर इस देश में सबसे ज़्यादा कहीं कोई बटा है तो बिहार के लोग हैं। और यहाँ पे देख लीजिए हर जाति के लोग हैं, बिहार में भी हर जाति के लोग परेशान हैं, बिहार से बाहर भी हर जाति के लोग परेशान हैं, तो जाति के नाम पे हम वोट क्यों करते हैं और सवाल क्यों नहीं करते हैं बिहार के नेताओं से? बिहार विधानसभा में इन मजदूरों के लिए सवाल क्यों नहीं उठाया गया? मनीष कश्यप पे सवाल उठाना ज़्यादा ज़रूरी था कि इन मजदूरों के लिए सवाल उठाना ज़्यादा ज़रूरी था? क्यों नहीं उठाया गया? जरा सोचिए, इन लोगों के दोषियों को पकड़ के जेल में डालना ज़्यादा ज़रूरी है कि मनीष कश्यप जो इन लोगों के लिए आवाज़ उठाता है उसको पकड़ के जेल में डालना ज़्यादा ज़रूरी है? ज़रा सोचिए। बस अगर आप लोगों के अंदर इंसानियत होगा तो आप सभी आवाज़ उठाएंगे और इन मजदूरों को इंसाफ दिलाने का प्रयास करेंगे। और सिर्फ इन मजदूरों के लिए मैं आवाज़ नहीं उठा रहा हूँ, बिहार के उन तमाम मजदूरों के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ जो बिहार में और बिहार के बाहर जो है हर दिन परेशान होते हैं। जय हिंद।